इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं रिकॉर्ड का। राजीव गांधी के ज़माने में 412 जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस खेमे में तो खलबली मचाई ही, इसके साथ ही बाकी विपक्षी पार्टियों को भी एक संदेश दे दिया कि लोकसभा चुनाव में और तगड़ी मेहनत करनी होगी। जहां बीजेपी इन तीन राज्यों में जीत के बाद गदगद है, तो वहीं कांग्रेस ने सोच विचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को भी समझ में आ गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अगर टक्कर लेनी है तो मेहनत कड़ी करनी होगी। इसी बीच रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी चाचा, उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बयान दिया। बयान ऐसा जो सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दे। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो जीता हुआ होता है वो कुछ भी कह सकता है और जो हार जाए उन पर सवाल उठाए जाते हैं। इसी के साथ रामगोपाल यादव ने आगे जो कहा वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हैरानी की बात है। रामगोपाल यादव का कहना था कि इनकी पॉलिसी है कि रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। देखो, जो जीता हुआ होता है वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है, और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं। कैसे रोकेंगे सर इस 400 वाले मिशन को बीजेपी के? इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं रिकॉर्ड का। राजीव गांधी के जमाने में 412 जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे, और जो विपक्ष है वो ये रणनीति बनाएगा कि 200 पर रह जाए। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है सर? एकदम सुंदर है, सुनहरा। तो फिलहाल रामगोपाल यादव का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा जरूर बटोरेगा। सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात रामगोपाल यादव ने कर कांग्रेस खेमे में भी खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, और ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी। सपा के तेवर तल्ख है और इसके बाद में अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।